Hello everyone, so my name is Ayushi Agrawal and I welcome you to JEE NEET Adda 24/7 Adda Kamyabi Ka. बच गए हैं 9 और डेली की तरह एक डोज तैयार है केमिस्ट्री की आप लोगों के लिए. केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट से कॉन्सेप्ट हैं, जहां बड़ी एक्सेप्शन से टाइप्स आ जाती हैं, हम वो कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर आते हैं अपना वाटर. वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है मीथेनॉल, अकेला अल्कोहल जो वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, यही तो एक्सेप्शन थी. और फिर आते हैं फिनॉल्स. आज हम चर्चा करने वाले हैं फिनॉल्स के ऊपर, चाय पे नहीं, दारू पे. तो देखो, अगर हम एसिडिटी की बात करें तो अपन लोगों को पता है एसिडिटी में एच प्लस निकाल देते हैं. एच प्लस निकालने के बाद बनता है माइनस. और माइनस मतलब काला धन को स्टेबलाइज करना है, खींचना पड़ेगा काला धन, उससे हटाना पड़ेगा तभी वो स्टेबल होगा. तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई माइनस एच और माइनस आर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई प्लस एच और प्लस आर के. अगर हम और आगे थोड़ी चर्चा कर लें तो अपन को पता है कि पी के ए मतलब रिवर्स होता है. पी के ए होता है लॉग के ए, माइनस का लॉग के ए. तो लॉग के ए बढ़ता है तो पी के ए कम हो जाता है. तो और के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, रट लो, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए सारी बातें रिपीट करेंगे. अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, बढ़िया वाले ग्रुप जो एसिडिटी को फायदा करते हैं, जो विड्रॉ कर रहे हैं, माइनस को स्टेबलाइज कर रहे हैं. अगर हमारा ये फिनॉल है, इसके ऊपर नेगेटिव बना, तो ये बंदा क्या करेगा, दो तरह के इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई और माइनस आर. रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ठीक है. पर जब हमें पता है मेटा पे कोई रेजोनेंस नहीं लगता है, तो यहाँ पे लगेगा केवल माइनस आई. तो यहाँ पे दो दो तरह से इफेक्टिव है, दो दो तरह से हेल्प हो रही है हमारी. तो ये ज्यादा एसिडिक होता है. जो पैरा ग्रुप होता है या जो ऑर्थो ग्रुप होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये जो लोग हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल से. आई होप इतनी बात तो आ गई होगी बढ़िया तरीके से समझ. मैम हमें तो चुल लगी रहती है. मैम आप ये बताओ ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा एसिडिक है? पहले आप लोगों को ये समझा देते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और हमारे माइनस को स्टेबलाइज करते हैं, इधर बाय प्लस आई माइनस आई और माइनस आर. इतनी बात समझ आई? ठीक. अगर आप मुझसे पूछो मैम ये मेटा पे इफेक्ट क्यों नहीं लगता, अभी समझा देते हैं. बट अगर आपके पास NO2 एक जगह है, NO2 दो जगह है और NO2 तीन जगह है, तो आप बताओ कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? तो आप कहोगे मैम थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा एसिडिटी का ऑर्डर में, है ना. ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में सबसे ज्यादा कौन सा होगा बच्चा? मैम थर्ड वाला, क्योंकि मोर NO2 ग्रुप ज्यादा स्टेबल. अरे भाई मेरी हेल्प करने वाले जितने लोग ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी. पर अगर हमें कंपेयर करना हो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स में और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स में, तो हम किसको चूज करेंगे? तो एनसीईआरटी में एक टेबल है, टेबल में ना इनकी पीके ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है. बट फिर भी हमारा दिल कर रहा है हमें बताना है आंसर, तो हमें पता लगता है कि पैरा वाला स्लाइटली मोर एसिडिक है. अगर ऑर्थो वाले की जो पीके ए की वैल्यू है वो 7.1 है, पैरा वाले की अगर 7.1 है तो ऑर्थो वाले की 7.2 है. मतलब ये पीके ए कम तो एसिडिटी ज्यादा, इसकी एसिडिटी ज्यादा है और इसकी एसिडिटी कम है. तो पैरा वाले के ऑर्थो से थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा पैरा की, फिर ऑर्थो की और फिर मेटा की. तो बचपन में हम पॉम पॉम खेलते थे ना, पॉम पॉम लड़कियों के कपड़ों में भी होता है, पॉम पॉम होते हैं, तो ये वही पॉम है. तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्डर होता है पॉम पॉम. बोलो ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम है इतनी बात में कि पैरा वाला सबसे ज्यादा? ट्रिक यही है पॉम पॉम वाली, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, डन. अच्छा मैम यहाँ पे इफेक्ट क्यों नहीं लगता है? तो देखो बच्चों, जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस करते वक्त जो नेगेटिव चार्ज होता है वो केवल और केवल ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है. देखो माइनस यहां आएगा, देखो भैया डबल बॉन्ड ओ एच, हाँ या ना.
अब ये माइनस आगे जाएगा तो यहां आएगा, तो डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव एच यहां पे और ये माइनस, अगले में आगे जाएगा, तो ऐसे करके हमारे पास तीनों जगह अपना माइनस आ गया है। कौन कौन सी पोजीशन पे आया आप देख सकते हो, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ, बोलो भाई हाँ। तो अगर यहाँ NO2 बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर NO2 बैठा हुआ होता तो इसके साथ भी रेजोनेंस हो जाती, ऐसे करके ऐसे घूम जाता, पर मेटा पे बैठा होता तो कोई रेजोनेंस नहीं होती, केवल और केवल माइनस साइड इफेक्ट लगता, तो मेटा का सबसे वीकेस्ट होता है। अगर हम डोनेटिंग पे आए, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, तो डोनेट करा हमने इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा मतलब माइनस को डिस्टेबलाइज करा, भैया हमने इलेक्ट्रॉन देना चालू कर दिया, ये प्लस आई डोनेटिंग और प्लस आर दोनों तरह से डोनेट कर रहा है, ठीक ठीक ठीक। अगर डी से डोनेटिंग आए तो डी से डिक्रीज होगी एसिडिटी, कैसे याद रखेंगे हम, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। बोलो कूल 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 कूल, आ जाओ चलो नेक्स्ट। ये अपने डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स, OCH3 ग्रुप वगैरह वगैरह। अगर हम कंपेयर करें ऑर्थो को और मेटा को, तो देखो इधर केवल प्लस आई है, इधर प्लस आई और प्लस एम दोनों है, प्लस आर या प्लस एम। अरे 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 अरे, एक बंदा दुखी कर रहा है, दुश्मन है मेरा, दुश्मन दुश्मन दो दो तरह से दुखी करे, मेटा से भी दे रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट से भी दे रहा है, रेजोनेंस से भी दे रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे रहा है। दुश्मन जितना दूर ना उतना अच्छा, जितना हमसे बातें उसकी कम हो रही है ना उतना अच्छा। तो भैया इसमें लेस स्टेबल, ये क्या होगा बच्चा, लेस स्टेबल तो मोर एसिडिक, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी घट गई है, कम हो गई है, बेकार हो गई है, क्योंकि इसमें ये जो बंदा है ना जो दुख पहुंचा रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं ऑर्थो को, पैरा को और मेटा को, पैरा को और मेटा को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो एनसीईआरटी कहती है ऑर्थो और पैरा की बिल्कुल बराबर सी ही होती है, चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बराबर होती है। इसकी भी 10.2 बता रखी है पीके, और इसकी भी 10.2 बता रखी है, और इसकी 10.1, ठीक। अच्छा OCH3 और CH3 में से OCH3 ज्यादा डोनेटिंग है, ठीक है। इन तीनों में कंपेयर करें तो इसकी और इसकी, ऑर्थो की और पैरा की ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑर्थो और पैरा की सेम होती है, और मेटा की ज्यादा होती है, मेटा की ज्यादा होती है। बट फिर भी अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए, फिर भी दिया जाए तो पैरा की आप ज्यादा लगाओगे, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ऑर्डर समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ऑर्डर में, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने दोबारा करवा दिया। ऑर्थो और पैरा ऑलमोस्ट सेम और मेटा की एसिडिटी ज्यादा, तो इसमें भी पॉम पॉम ही याद रख सकते हो, वो भी पॉम था, वो ऐसे पॉम था और ये ऐसे पॉम है, पॉम और मॉप। कोई दिक्कत किसी को, तो एसिडिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की ज्यादा नहीं कम। फिर अपने फिनॉल्स आते हैं, नॉर्मल फिनॉल्स, जिनकी जिंदगी में ना खुशी है ना दुख है। और फिर आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज्यादा एसिडिटी, जितने ज्यादा घटिया लोग उतनी कम एसिडिटी, और फिनॉल की तो नॉर्मल है, बीच में आती है। कोई प्रॉब्लम है इतनी बात में? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, एसिडिक ऑर्डर लगाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, मिथॉक्सीफिनॉल, पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, इनका। बस ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं दिल से चाहती हूँ आप लोग आंसर लिखो इसके, फिर मैं चेक कर सकती हूँ। तो ए और बी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो मैंने आपको आज सिखाया तो आप तीन पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना। पहला पॉइंट जिससे आपको याद हो जाए, पहला पॉइंट डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज करते हैं, दूसरा पॉइंट विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे हो तो इफेक्ट कम लगेगा, विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे हो तो भी इफेक्ट कम लगेगा, दोनों में मेटा पे इफेक्ट कम होता है। तो दोस्त लोग पास रहने चाहिए ऑर्थो और पैरा पे, विड्रॉइंग वाले ऑर्थो और पैरा होता है पॉम, POM, और उसका उल्टा POM। तो इतना आप याद कर लो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में नेक्स्ट वीडियोस कौन सी चाहिए आप लिख लिख कर रख दो, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, धीरे धीरे आपने जो भी मांगा है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट एवरीवन।